यूपी स्मार्टफोन टैबलेट योजना पर लगी रोक। जी दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए ही है और इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि क्या ये न्यूज़ सच्ची है या केवल अफवाह फैलाई जा रही है, और जो भी छात्र को मिलने वाला था टैबलेट और स्मार्टफोन उन्हें मिलेगा या नहीं मिलेगा, और मिलेगा तब तक मिलेगा, और क्या इस पर कोई रोक लगाई गई है। तो दोस्तों, ये वीडियो जरूर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये आप सभी के लिए। तो दोस्तों, आप सभी देख सकते हैं आचार संहिता में फंस गए 24.5 लाख टैबलेट्स। यूपी फ्री लैपटॉप स्मार्टफोन योजना के तहत ये न्यूज आई है। तो आप सभी देख सकते हैं, जैसे ही चुनावी बिल्कुल बचा है 49 जिलों में करीब 24.5 लाख छात्रों के लैपटॉप टैबलेट फंस रहे हैं आचार संहिता में। सभी जनपदों में ग्रेजुएट्स के वितरण पर रोक लगा दी गई है। प्रशासन को चुनाव आयोग के निर्देशों का इंतजार है। तो लाखों छात्रों की टैबलेट मोबाइल मिलने की उम्मीद ढेर हो रही है। जी दोस्तों, जिन भी छात्रों को मिलने वाला था टैबलेट और स्मार्टफोन, वो सभी अब मायूस हो चुके हैं, क्योंकि आचार संहिता यूपी में लागू कर दी गई है, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। तो इस समय आचार संहिता में कोई भी सरकार अपना प्रमोशन नहीं कर सकती है, यानी कि कोई भी ग्रेजुएट्स या किसी भी प्रकार का अपना फायदा नहीं कर सकती और कोई भी प्रचार नहीं कर सकती है। तो दोस्तों, यहां पर आप सभी को टैबलेट्स और स्मार्टफोन जो मिलने वाले थे वो इस आचार संहिता में फंस चुके हैं कि कैसे बांटेंगे, मतलब कि जो स्मार्टफोन योजना था उसके तहत अब आपको स्मार्टफोन नहीं बांटे जा सकते हैं जब तक आचार संहिता चल रही है। तो इसी वजह से छात्र मायूस हैं और पूरा देखते हैं न्यूज़ क्या है। तो यानी कि इस पर बहुत ही रोक लगाने की घोषणा कर दी गई है। पहले चरण में जनपदवार छात्रों को गैजेट्स का वितरण प्रारंभ कर दिया गया था। इन जिलों में 38,140 छात्रों को लैपटॉप टैबलेट बांटे चुके। तो दोस्तों, ये तो आपको कन्फर्म हो गया कि आचार संहिता की वजह से जो भी छात्र थे उनका जो टैबलेट और स्मार्टफोन योजना था वो बाधित हो गया है। लेकिन देखते हैं अभी सरकार की तरफ से कोई, हो सकता है न्यूज आए कि आप सभी से कोई और तरीका निकाला जाए जिससे आप सभी को स्मार्टफोन टैबलेट मिले। तो दोस्तों, जैसे ही कोई न्यूज आए भी मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो ये पूरी वीडियो आप जरूर देखो उनके, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। जैसे ही कोई न्यूज आती है मैं आपको जरूर बता।